Hello, guys, welcome back in the Read Zone. This is Man. Today we are going to react on Alvida Dost by BBK Vines. Yes. So, दोस्तों यार वीडियो आगे बीबी की न्यू और आप सबने बहुत सारे सजेशन दिए कि फटाफट रिएक्ट करो यार फटाफट कर रहा है क्योंकि इस बार आपको थोड़ा सा भी डिले नहीं करवाएंगे और वेट नहीं कराएंगे ताकि आपके कमेंट सेक्शन में बार बार सुनने को मिले यार बीबी की वाइंस से कब रिएक्ट करो सो हम फटाफट आपके सामने वीडियो लेके आ गए हैं सो देखना चाहिए यार पड़ेगा और देखना होगा हमें क्या देखना होगा कि अलविदा दोस्त किस तरह से किया दोस्त किसको बोल दिया यार अलविदा क्या हो गया तीनों ही दोस्त है भाई तो कौन जा रहा है और किसको अलविदा किया जा रहा है डायरेक्टली गोस थ्रू आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे कि शादी में मेरा भी चलना जरूरी है अच्छा नॉनवेज है अच्छा, आता हूँ क्या हुआ यार मम्मी पापा अपने किसी दोस्त की शादी में गए हुए हैं उनको अब याद आ रहा है कि मुझे भी वहाँ होना चाहिए तो हला जा वहाँ जाके मुझे पता है ना क्या होने वाला है पापा के दोस्त बड़े चालाके हैं चुपके से अपनी बेटी इंट्रोड्यूस करा देंगे मीट माय डॉटर रिंकी और मेरे माँ बाप तो हैं उनको तो भरोसा ही नहीं उनकी औलाद खुद के दम पे कोई लड़की ढूंढ सकती है जहाँ रिश्ता मिले पकड़ लो चल मैं चलता हूँ ऐसे जाएगा हाँ तो पहले मेहमान कम और दुल्हन का एक्स बॉयफ्रेंड ज्यादा लगेगा जो भी फ्री की दाल और बिरयानी खाने आया हो अबे कौन देख रहा है लड़कियां देखेंगी और तुझे जज करेंगी अभी तेरे में से ऐसी बदबू आ रही है कि बगल वाला कूड़ेदान फेल हो जाए और ये दाढ़ी क्यों बढ़ा रखी है लड़कियां मरती हैं दाढ़ी वालों पे ये देख के तो वैसे ही मर जाएंगी ये दाढ़ी कम और वहां के बाल ज्यादा लग रहे हैं गर्ल्स लाइक वेल ग्रूम्ड मेन हु स्मेल गुड हु लुक हॉटी यू लुक पॉटी ब्रेक द बियर्ड अब ठीक है वाह फक्ते जॉनी डेप हाँ मम्मी बस निकल रहा हूँ हाँ वो बेंचों को भी ला रहा हूँ ना साथ ओके ओके बाय ओके बाय चल भाई तैयार हो जा वो सूट रखा है मेरा वो पहन ले मैं कैसे आ जाऊँ बेंच ठीक तो दिख रहा है लड़कियां वैसे भी नहीं पूछती तेरे को सूट पहनने का तो क्या पता निकल पड़े चल अभी मैं आ ही नहीं सकता मुझे पैकिंग करनी है कहाँ जा रहा है दुबई कब तेरे को बताया तो था मुझे नहीं बताया ओ शिट वो मेरे रोहन को बताया था अबे यार कौन रोहन दोस्त है मेरा कब जा रहा है कल क्यों पापा ने बुला लिया बोल रहे हैं कि तू अब यहीं पढ़ाई कर और कुछ टाइम बाद मेरा बिजनेस संभाल लियो पढ़ाई मतलब कितने टाइम के लिए जा रहा है बिजनेस संभालना है तो फिर हमेशा के लिए जाऊंगा एक सेकेंड तू मजाक कर रहा है हमेशा के लिए दुबई जा रहा है हमें इतनी सारी फिल्में देखनी थी और सुमेधा की रिप्लाई का भी वेट करना था ना मुझे लगता है वो हाँ कर देगी और इस साल के एंड में बैंकॉक भी तो जा रहे थे हम बैंकॉक तो मैं शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ चला जाऊंगा मैं रेस्टोरेंट में टिफिन कौन लेके जाता है बे दुबई में कुछ नहीं रखा भाई इतनी गर्मी है वहाँ और नाइट लाइफ भी कुछ खास नहीं है बैंक नाइट लाइफ भी तो बेस्ट है वहाँ की महंगे महंगे क्लब और रेस्टोरेंट टपरी वाली चाय नहीं है महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार चलाने को मिलेगी स्कूटी नहीं चला पाएगा अबे वहाँ तेल इतना सस्ता है तूने बुनमरानी है वैसे तेरा दुबई जाना कब डिसाइड हुआ लास्ट वीक तब क्यों नहीं बताया अबे तब रोहन के साथ इतना बिजी था पार्टीज में जा रहा था यहाँ वहाँ फिर वीरे दी वेडिंग देखने चले गए वीरे दी वेडिंग है वो ना ना रोहन का भाई है वीर उसकी वेल्डिंग की दुकान है तो वीरे दी वेल्डिंग देखने गए थे इतनी बड़ी बात तूने मुझे बताई नहीं नेक्स्ट टाइम चल रही हूँ वेल्डिंग देख दुबई जाने की बात कर रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ना भूल गया ऐसे कैसे भूल गया ये तो भूलने की बात है चिल्ला क्यों रहा है मैं कहाँ चिल्ला रहा हूँ मैं चिल्ला रहा हूँ नहीं नहीं एक दूसरे को प्रॉमिस किया था ना कि हर छोटी से छोटी चीज शेयर करेंगे तुम दोनों एक दूसरे का नन्नू फेयर करते थे हाँ तो शेयर करते तो है मैं कितनी लड़कियों के नंबर शेयर किए अबे चूतिया उसकी बात नहीं कर रहा ओए तमीज से बात कर मुझे तमीज मत सिखा छोटी छोटी बात पे सीरियस हो रहा है छोटी बात लग रही है इसको हमेशा के लिए दुबई जा रहा है इसको छोटी बात लग रही है तेको पता मतलब छोटी बात जोर से बोल जय माता दी बड़ी बात है और ये रोहन कौन है दोस्त है मेरा कब से एक हफ्ते से है तुझे क्या करना जान के मुझे पता होना चाहिए ना कि जिसको मैं अपना BFF समझता हूँ उसका BFF कोई और है BFF भड़वा फर्जी फ्रेंड क्या BFF लगा रखा है कोई किसी का बेस्ट फ्रेंड नहीं होता बच्चों वाली बातें कर रहा है इसको बच्चों वाली बात लग रही है पोसेसिव क्यों हो रहा है इतना और हर चीज तेको क्यों बताऊं मैं कोई पोसेसिव नहीं हो रहा भाई तेरे जैसे आदमी को पूछता कौन है रोहन पूछता है रोज उसके घर पे प्लेस्टेशन खेलते हम तभी तो रात को मेरा फोन नहीं उठा रहा आजकल क्यों उठाऊंगा वहां खेल रहे थे पबजी और ये कहता है टपरी पे खाने चलते रोटी सब्जी कितना बोरिंग हो गया है सब बोरिंग तो लगी गई वक्त और दोस्त बदलते देर थोड़ी लगती है एक टाइम था जब मेरी दोस्ती बहुत पसंद थी इसको टपरी पे मैगी खाते थे चाय के साथ वो कॉइन वाली गेम खेलते थे दोस्ती में दल्ला बनना पड़ा वो भी बना मैं लड़कियों के साथ डेट फिक्स कराई इसकी तूने क्या फिक्स कराई जो मेरे खुद के बस की नहीं है देख लिया मैंने उस दिन एक लड़की के साथ डेट पे गया बिल आने पे कहता तुमने मेरी पेप्सी से दो घूंट मारे 20 रुपए दो तुझे किसने बताया मुझे सब पता है तेरी हरकतें उस दिन पहली डेट पे लड़की को आई लव यू बोल दिया लड़की ने कहा मैं अभी तैयार नहीं हूं तो कहता हां तेरी नाक पे फोड़ा दिख रहा है तो तेरे भी बहुत किस्से हैं मेरे पास कैसे लड़कियों को उनके बॉयफ्रेंड के खिलाफ भड़का के उनका ब्रेकअप करवा देता है उसको सच्चाई सामने लाना कहते हैं हां तू तो जैसे देवता है नारी बचाओ देवता कहते हैं मुझे इज्जत लूटो राक्षस है हर जगह बेइज्जती करवाता है उस दिन एक क्लब में इतनी सुंदर लड़की ने पूछा हे व्हाट्स योर पॉइजन तो कहता लक्ष्मण रेखा अबे मुझे मत समझा बेंचो
वाना गेट सम एक्शन को कहते हैं वाना गेट सम रोहित शेट्टी। जब मुझसे काम था तब भाई भाई करता फिरता था, अब जब खुद की लाइफ सेट हो गई तो मुझे बताया तक नहीं। आप अब क्यों लड़ रहे हो यार? नहीं नहीं एक सेकंड, क्या काम लेकर आया तेरे से? कितनी बार एग्जाम में आंसर दिखाया तुझे, सबसे पहली प्रायोरिटी थी। क्यों मैं लगे जू? महीनों तक मेरी स्कूटी पे टशन मारता फिरता था, बचपन से लेकर आज तक ना जाने कितने हजारों का उधार है। तो लौटा दे। मैंने नहीं देने, तूने देने हैं मुझे। कोई एहसान नहीं किया, तेरी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। बस की नहीं ऐसा कुछ करने की, तेरी औकात ही नहीं है। औकात पे मत जा, क्रिकेट को उसके असली रंग दिखाने जरूरी होते हैं। साला एहसान फरामोश गोल्ड डिगर, तू फोन खोदता है। अबे तेरे जैसे भिखारी के साथ रहेगा कौन? तभी तो पाल रहा हूँ तुझे इतने साल से। बैचो तेरे माँ बाप से घर की किस्त तो भरी जाती नहीं, पालेगा मुझे। ये क्या बोल रहा है? समीर इसको बोल यहाँ से निकल जा वरना मैं इसको मार दूंगा। मैं भी चुपचाप खड़ा नहीं रहूंगा। अबे क्या हो गया? मेरा हाथ उठ जाएगा। अबे तू कांग्रेस का है क्या? अबे जा अपने बाप के पास, उनकी तरह गुंडा बन जा। गुंडे नहीं है, बहुत कनेक्शन है उनके। कनेक्शन है बिजली की तार है क्या तेरा बाप? मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तोड़ना। अरे बाप, लड़ना बंद करो। आर फाइट इज आर फाइट, नन ऑफ तेरी मां का डे वीफा। ओ नो। हां पापा, हां रास्ते में हूं। आ रहा। तू जा दुबई मजे कर। जब दो जिगरी आपस में लड़े तो फुला कौन कराएगा? अकेला रह गया हूँ किसी और के घर में। अबे ताला तेरा बाप लगाएगा। चलो भी जान से। I really wanna see ये क्या होता है। नहीं यार देखो, मेरे को नहीं लगता लड़ाई होगी कंटिन्यू, क्योंकि जो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ना, दे नेवर दे जस्ट फाइट जरूर करते हैं, और बहुत बुरी गंदी वाली, मतलब गालियां ऐसी ऐसी कि मतलब एक कर देते हैं, बट लास्ट में जो अगर कोई बीच में तीसरा चौथा बोल पड़े तो कोई चुप नहीं रहता। पर तो जस्ट जो जब उसने बोला कि वो दुबई जा रहा है, तो जिस तरह से भुवन ने एक्टिंग की, उसके फेस पे वो डर दिख रहा था राइट, कि उसका फ्रेंड जा रहा है, तो वो एक्टिंग ही अच्छी कर रहा था यार। सीरियसली ये एक्टिंग की तरह देख रहे हो तुम? व्हिच इज गॉट, मतलब मुझे ये रियलाइज हुआ कि उसके फेस पे वो डर प्रॉपरली दिख रहा था कि ओ माय गॉड मेरा फ्रेंड जा रहा है और मैं किसके साथ सब कुछ शेयर करूंगा एंड ऑल, सो वो दिख रहा था। और जिस तरह से वो डर से उसके ऊपर चिल्लाया, बहुत स्वीट लगा। ऐसे हर एक के अंदर नहीं होते दोस्तों, बेस्ट फ्रेंड्स सिर्फ बोलने के लिए होते हैं, ठीक है। सो कुछ फ्रेंड्स तुम्हारी बीएफएफ मैं हूं। नहीं तो क्या हो गया यार? तो अच्छा तो मेरे लिए कभी लड़ती है ऐसे? पता कितनी बार है ना, मैं अकेले लड़ता रहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है। क्या चाहते हो, मैं ऐसे लड़कों के बीच चली जाओ? प्लीज मेरे बेस्ट फ्रेंड को मत मारो। तो यार ऐसे मैं ये थोड़ी बोल तो सकते हैं, लड़कियां जब चिल्लाती है ना तो अगले की फाड़ देती है, ऐसे नहीं बोल बोल कर यार। ओके जब मेरी लड़ाई होती है को प्रोटेक्ट कर। अरे मेरे को नहीं मीन्स, अगर मैं अगर कोई जैसे तुम्हारे साथ कोई तुम्हारा फ्रेंड होता है वो भी तो नहीं बोलता है, मेरे को अकेले लड़ना पड़ता। अभी लास्ट टाइम मैंने लड़ाई की थी और नो वन स्पीक विद मी, सारी बात नहीं बताएंगे ना, बट बिना बात की फाइट थी, बट हो गई थी। वैसे ही दोस्तों आप सब भी एक बार अपने अगर आपका फ्रेंड कोई फाइट कर रहा है तो डेफिनेटली फाइट दे दियो। अब क्या कर सकते हैं, जो है वो है। ये मुझे गंदा बीएफएफ बोल रहा है। एक्चुअल में जो देखो मैं सच्चाई मैं आई जस्ट लाइक अ मिरर, आई एम जस्ट किडिंग। वैसे अब मैं सच्ची बात बोलकर किडिंग बोल देता हूँ। दोस्तों यार वीडियो बढ़िया थी, और जो जैसे जैसे दिखाया उन्होंने, और मुझे सीरियसली किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा था तीन एक ही आदमी जो तीन थे, सीरियसली ऐसे लग रहा है कि सबसे बड़ी बात जो आगे से भुवन बाप की वीडियोस में हम लोग नोटिस करते आए हैं कि लगता ही नहीं है यार कि अलग करेक्टर्स नहीं है और एक ही करेक्टर कहीं उल्टा बोल दिया, एक आदमी है, अलग 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 कैरेक्टर है। हाँ या सो वो लगता है कि वो अलग बंदा है, वो अलग बंदा है। और हम जब ट्रीट करते हैं तो जैसे कि मैं बोलती हूँ मुझे बेंचो का कैरेक्टर बहुत पसंद है, तो मुझे वो तो गया अलविदा अलविदा नहीं जाएगा, भुवन उसको कुछ ना कुछ करके रोक लेगा, बिकॉज बीएफएफ हमेशा साथ रहता है। चलो देखते हैं दोस्तों, कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद देखते हैं। आप मंदी जोन को हमेशा यहीं देखेंगे? I don't think so. I'm sure about it. अभी इसकी शादी हो जाएगी, भाग जाएगी वो, भागो। तो दोस्तों यार आपको वीडियो कैसी लगी और हमारे रिएक्शन तो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, वी नोस। सो इट्स अ बीएफएफ वीडियो एंड इट्स वेरी नाइस वीडियो। अब देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या करना आप मुझे बता दो। मैं कह रहा हूँ हमें कम्युनिकेशन मींस कम्युनिकेशन हमारा मेन है, हम हिंदी हो इंग्लिश हो मैथ हो साइंस हो, प्लीज यहाँ सब सुनने वाले लेक्चर सुनने के लिए नहीं बैठे, जब स्टार्ट हो जाता है ना तो हो जाता है बस।
क्या करें दोस्तों, आदत है, आदत बहुत बुरी है। सो दोस्तों यार, आपको वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, लाखी में भेजिएगा, शेयर कीजिए, इफ यू डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डू कमेंट आल्सो इंक्लूडिंग योर सजेशंस। राइट दोस्तों, सजेस्ट करते रहिए, हम आपको उस पे कमेंट और रिएक्शन सब कुछ देंगे। आप सबके सजेशन बहुत सारे मिल रहे हैं, थैंक्स अ लॉट। अब हम कहेंगे बाय, टेक केयर सेल्फ, और अपने दोस्तों का साथ मत छोड़िए। अगर वो जाते उन्हें रोकिए, ना रोक पाओ तो थप्पड़ मार के रोए, अंदर बैठ जाओ, पीट दो, बट जाने मत। नहीं, इसी तरीके से होता है कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं गाइस। राइट, और हमें तो बहुत राइट, सो पता नहीं बेस्ट फ्रेंड होता है कि नहीं होता है, सो देखने चलेंगे कुछ सालों बाद। तो हम कहेंगे बाय, टेक केयर सेल्फ, साइनिंग आउट, बाय।